स्वागत करते हैं आप सभी का दोस्तों आज के नए व्लॉग में। और आज है माता का पांचवा दिन, यानी कि माता स्कंद माता का दिन है। और आज के दिन इन्हीं माता की पूजा होती है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग को बहुत ही खूबसूरत पांडाल देखने को मिलेगा दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट कर दीजिएगा एक बार जय माता दी। ये कथा आरंभ होती है ताड़कासुर से, जो अमर होने के लिए ब्रह्मदेव का तप कर रहा था। उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने उसे कोई और वर मांगने को कहा। बड़ी ही चतुराई से शिव पुत्र के हाथों मारे जाने का वर मांगा। वह जानता था कि माता सती के देह त्याग करने के बाद महादेव योग निद्रा में लीन थे और उनसे पुत्र उत्पन्न होना असंभव था। पर वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि आदिशक्ति माता पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं। और महादेव को प्राप्त करने हेतु तप कर रही थी। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर ताड़कासुर अपने आप को अमर समझने लगा और उसने सारी सृष्टि में कोलाहल मचा दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल भगाया और मनुष्यों पर भी अत्याचार करने लगा। उधर देवताओं ने महादेव को उनकी समाधि से जगाने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा। महादेव कामदेव पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म कर दिया। अंततः महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ और उन दोनों के तेज से कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी था, इसलिए माता पार्वती का एक नाम स्कंद माता भी पड़ा। इन्हीं कुमार कार्तिकेय ने आगे चलकर ताड़कासुर का अंत किया। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की ही पूजा आराधना की जाती है। सिंहासन गता नित्यं पद्मा श्रिद कर दया शुभदास तो सदा देवी स्कंद माताय यशस्वनी। अर्थात सिंह के आसन पर नृत्य विराजमान माता स्कंद, जिनके दो हाथों में कमल के पुष्प हैं, वो यशस्विनी स्कंद मात्रा हमारा मंगल करें।